हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यार मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। और आज वो दिन आ गया, हमारा एक और ईयर खत्म और एक और हम चेंज कर रहे हैं हॉस्टल। जैसा आपने टाइटल देख के आए हो, आज हम होने वाले हैं फ्लैट में शिफ्ट। मैं और एक मेरा दोस्त है सामने वाला, जो पुराने दोस्त थे वो अब मिलेंगे बट वो मेरे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि उनका कोर्स है वो ख़त्म होने वाला है। ऑलमोस्ट उनके 3 या 4 महीने बचे हैं बट मेरा कोर्स जो है वो अभी 1 साल का रह रहा है। तो हाँ, वो लोग मेरे से अब कम मिलेंगे। एक और अच्छा लड़का मिल गया है मेरे को, मतलब रूम पार्टनर बोले और दोस्त साथ साथ। तो अभी तो खाली कर दिया हमने रूम, मैं दिखाता हूँ आप लोग। गाइस सब कुछ पैक्ड, पैक 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 पैक। ये भी अलमारी सारी खाली हो चुकी है, हमारी 3 अलमारी सब खाली, लेकिन एसी अभी भी चल रहा है। और हाँ, जिसने मेरी पहले हॉस्टल वाली वीडियो देखी थी, ये हॉस्टल बिक चुका है। इस हॉस्टल को किसी दूसरे हॉस्टल ने खरीद लिया है, तो जो जो उसमें मैंने बताया था कि इसमें ये है वो है, तो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ डिफर कर सकती हैं। हॉस्टल किसी और के अंडर आता तो एसी की भी टाइमिंग है और काफ़ी चीज़ें नई हैं और थोड़ा महंगा भी ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए हम लोग ये हॉस्टल छोड़ रहे हैं। आ रहे हैं अब हम बाहर फ्लैट लेने, लास्ट ईयर है। ये देखो आज बारिश है, ये पूरा हो रखा है। ये देखो ये सारे बैग इतने हैं। और इसके बाद ये उसका रूम है, वो नीचे गाड़ी साफ कर रहे हैं। ये भी बैग है। तो गाइस देखो पूरी भर ली है हमने गाड़ी। मीट वैभव। वैभव भाई हेलो बोल दे मेरे ब्लॉग में, ये पहली बार आया मेरे ब्लॉग में। और अब 1 साल आप इसे ही देखोगे जब जब मेरे रूम के ब्लॉग आएंगे। इंट्रोडक्शन दे दे पहले तो अपना। तो भाई लोग, मेरा नाम है वैभव, मैं गाज़ियाबाद से हूँ। मैं कर रहा हूँ बीटेक थर्ड ईयर AKTU से। और भाई देखो पीछे पूरा देखा यार, क्या था ना, आगे आएगा पूरा भर गया ये। और अभी हम जा रहे हैं इसके लॉन्ड्री के बैग लेने। इसने लॉन्ड्री दे रखी थी, वो वापस ही नहीं आई अभी तक। एक हफ्ता हो गया। तो और हॉस्टल बदल गया और लॉन्ड्री भी बदल गई, मालिक भी बदल गया। तो हम इसकी लॉन्ड्री लेने आए हैं यहाँ पे। बाय आई हॉस्टल। इसने ले लिए कपड़े। ये नालंदा हॉस्टल, ये मैंने फर्स्ट ईयर में लेके बदला था। इसने भी फर्स्ट ईयर में यही लिया था, मतलब इसकी ब्रांच। तो भाई कैसा रहा आई का वो एक्सपीरियंस तेरा? भाई सब चीज़ बेकार थी से भाई, चीज़ के मंडे को बिरयानी जो कांस्टेंट दी है ना उन्होंने, सब चीज़ बेकार हो गई। बिरयानी विद रायता, कुछ ही हो जाए भाई, पानी भर जाए, मस गिर जाए, बिरयानी रोज आई है हमारे पास। और उसके अलावा भाई 24 घंटे इसी, 24 घंटे आखिर अभी भी चल रहा है, अभी तक छोड़ के आ गए, अभी तक चल रहा है। आज भी वापस आएंगे भाई, वही सोएंगे आखिरी टाइम तक। एसी ये बंद नहीं होने दिया हाइप वालों ने, मरते मरते भी। यहाँ से कम कितना दूर है? 10 मिनट दूर है, 15 मिनट आते वाले रास्ते से चलना है। 10-15 मिनट दूर है और फिर चलते हैं। देखो गाइस राउंड टू हमारा, आपने राउंड वन में देखा था पूरी डिग्गी भरी हुई थी और पूरा आगे का भी भरा हुआ था, और ये राउंड टू में देख लो ये इस बार तो उससे भी ज्यादा है, हालत खराब हो गई। और इसलिए तो, और भाई अभी तुम्हें इकट्ठे में सामान दिखाऊंगा, वहाँ पे शुभम बैठा हुआ है, सामान दिखाऊंगा हम दोनों का कितना सामान है, पूरी इतना आधी लो भी भर गई होगी, इतना सामान है। ये हमारी सोसाइटी ये पूरी, और हमारा थर्ड फ्लोर पे है, यहाँ पे कहीं कोई सा फ्लोर होगा यार, पता नहीं ऐसे। तो अभी लेंगे फिर फ्लैट दिखा दो, फिर सामान लेके आएंगे वापस। शुभम भी आ रहा है इतने, वो सामान शिफ्ट कराएगा क्योंकि हमने उसका करवाया था कल। चलो फिर मिलता हूँ, हमारी डील रखी है, शिफ्टिंग करवा लूँ पहले, फिर इकट्ठे रख के दिखाऊंगा तुम लोगों को। भाई पर्ची नहीं कट जाती? तो भाई इतना सारा सामान, सुन भाई हेलो बोल दे रहे लोग, कपड़े खट रहे भाई, इसे देख लो भाई, भाई ये देखो इसे 2 दिन से शिफ्टिंग में ऐसी हालत हो गई है इसकी, कपड़े फट गए क्योंकि ये तो अकेला रह रहा है ना। और इतना सारा सामान ये है, ये सामान देख लो कितना सारा होगा भाई। कौन से डब्बे? वैभव ने भरे हैं ये, ऊपर तक खाली भरे पड़े, वैभव ने भरे हैं ये। बंद करने तो तकड़े आते हैं इसको, दे अजियो अजियो वाला। भाई देखो इतना सारा सामान हो गया है, बस अभी जा रहा हूँ, बस चाबी लेके आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी से रूम दिखाता हूँ आपको। देखो भाई इनके अबे यहाँ जगह है नहीं, नहीं जगह है, यहाँ है, कोई बात नहीं, यही लिफ्ट नीचे ले आओ भाई, ये सामान और रह गया, बाकी तो ले गए वो लोग। मैं खाली रूम दिखा दूंगा, उसके बाद आपको सामान शिफ्ट करके दिखा दूंगा ताकि गंदा ना लगे रूम, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। तो चलो चलते हैं, ये रही यहाँ की लिफ्ट, यहाँ पे सारी लिफ्ट है। रूम खोल के दिखा दूँ, ये देखो गाइस अब
इस पर अभी बिछा देंगे, थोड़ा सही कर दी हो जाएगा। हाँ भाई अब कैसे लग रहा है रूम? रूम बढ़िया लग रहा है, हालत खराब है स्टूडियो अभी सामान ला रहे हैं। ये भाई बालकनी खोल देता हूँ, थोड़ी हो जाएगी। ये देखो ये बालकनी है हमारी, व्यू ठीक ठीक है, मतलब अच्छा भी है। ये देखो गाइस कितना पूरा रूम ही भर गया चारों तरफ। ओ भाई थक गए, बहुत मुश्किल काम है शिफ्टिंग। और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ क्या क्या मिला है हम लोगों को, ये सारे अप्लायंस मिले हैं और ये भी लाइट भी ये अच्छी लग रही है। और ये सारे बर्तन हैं, ओवन है, क्रोकरी तो आपको दिखाई थी मैंने, इसमें कुछ है क्या? हाँ ये सारे बर्तन हैं अंदर तक, ये स्मार्ट टीवी, ये लैम्प और एसी, पंखा, अलमीरा, अलमीरा दो के हिसाब से ही है ये लोग, ये बहुत बढ़िया है यार। ये देखो हॉस्टलों की, हॉस्टल की दो या तीन के बराबर है, बहुत बड़ी अलमीरा है। और यहाँ पे भी एक सेक्शन है, बालकनी भी काफ़ी अच्छी है। ये चेयर हम बालकनी के लिए लाए हैं, दो बालकनी में, बाकी एक दो अंदर पढ़ने वढ़ने के लिए, और बाकी तो बाकी तो हम लोग यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगवाएंगे ताकि पढ़ते वढ़ते टाइम थोड़ी रोशनी रहे, क्योंकि लेकिन इसमें भी दिक्कत नहीं है, लाइट वैसी वाली है कि इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। ये वाइट बन गई, ऑफ वाइट बन गई, जो भी है। और आर ओ भी लगा लगा मिल गया था, सबसे बेस्ट। तो ऑलमोस्ट सब सारी चीज़ें हमें मिली गई हैं, बस ये सब हमें सेट करना है। अब शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से, फिर मिलता हूँ आप लोगों से फटाफट। One eternity later. Guys, finally, दो घंटे लगा के हमने सारा सामान सब कुछ समेट लिया, सब कुछ रख लिया, और रूम लग रहा है बहुत ही बढ़िया। मतलब कि यार जिस रूम में जाता हूँ वही बहुत बढ़िया लगने लग जाता है। अभी ये वाला भी दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये चेयर हटेगी यहाँ से, ये रसोई में यहाँ पे चूल्हा आएगा ये ना, क्योंकि हम लोग बिजली का बिल नहीं बढ़ाना चाह रहे। और ये और इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, देखो सुनो आवाज़ सुनोगे इसकी। और ये अंदर हमने सेट कर लिया, ये अभी भी कर रहा है थोड़ा सेट। हाँ ये देखो, ये अभी चादर बदलेंगे हम थोड़ा। और ये लैंप है, ये मेरी रिंग लाइट है, वहाँ पे जलाएंगे। और ये यहाँ पे टीवी, ये हमने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया और करेंगे अभी, ये थोड़ा बहुत लगाए हमने। और ये सब हटेगा अभी, इतना सब खाली होएगा। ये देखो ये पूरी अलमीरा है, बहुत बड़ी अलमीरा है यार ये। और ये सेक्शन बनाया मैंने अपने शूज़ का, ये सारे मेरे शूज़ हैं ठीक है। और ये कॉपी किताबों का सेक्शन, ये मेरा जिम का, ये इसमें वेब का भी है, और ये मेडिकेशन वगैरह का। और ये बाहर पूरी ये देखो मस्त चल रहा है, थोड़ा बहुत डेकोर करेंगे हम लोग उसका बताऊँगा। और आपको फ्लैट्स के रिलेटेड भी जानकारी हर बार बोलता हूँ, जो इससे रिलेटेड भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मैं प्राइजेज या फिर सोसाइटी या फिर कोई सजेशन चाहिए होगा वो भी मैं दे दूँगा, वो सब दे दूँगा। और बाकी हमने ये थोड़ा बहुत किया है अभी, इसमें राशन वगैरह लाना है हमको अभी, ये इसका, इसमें सामान, ये स्पेस तो काफ़ी है। और हमें ये सब भी मिला है, पोछा वगैरह तो चलो। और इस वाले में यहाँ पे भी स्पेस मिला है हमें, तो ये सारा सही करना है। हाँ ये सारा सही करना पड़ेगा अभी। तो बाकी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में शुभम वाला, अभी अगर हम फ्लैट गए तो शुभम वाले फ्लैट में भी अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, और फिर मिलता हूँ आप लोगों से। चलो चलते हैं अभी यहाँ से, चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? ये है मेरा कॉलेज का पहला दिन, मतलब फ्लैट से पहला दिन, वैसे तो फोर्थ ईयर शुरू हो चुका है। तो ये है मेरे कॉलेज का पहला दिन अपने फ्लैट से, हॉस्टल ख़त्म हो गया तो थोड़ा लाइफ में चेंज आया है, थोड़ा बहुत काम खुद भी करना पड़ रहा है और बाकी तो इंडिपेंडेंट और ज़्यादा बन रहा है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, हमने फ्लैट ऑलमोस्ट सेटअप कर लिया है, और जो मेरा रूममेट था वो अभी घर गया हुआ है। तो आज मैं जा रहा हूँ अभी तो कॉलेज, ये देखो ये बर्तन वर्तन धोए हैं, गैस वगैरह सब सेट कर दिया है पूरा रूम, हमने थोड़ी लाइटिंग लगाई है वहाँ पे, अगर दिख रही हो तो स्टार लाइट, और इसके पीछे भी टीवी के पीछे भी लाइट लगाई है। और अभी तो बस मैं रेडी हो रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, थोड़ा सा तो क्या 5-10 मिनट लेट हो रहा हूँ, पहुँच जाऊँगा वैसे तो 9 बजे का कॉलेज है मेरा। और यहाँ पे ये देखो ये गेट ये रखा, ये थोड़ा ढीला हो रहा था तो ये वो लगा जाएंगे आज या कल में, तो इसलिए रखा हुआ है बस ये। बस बिना आप किसी देरी के चलते हैं कॉलेज और मिलते हैं वहीं आप लोगों से, चलो फटाफट इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊं। सो गाइस आज मेरी क्लासेस हो चुकी हैं ख़त्म, मैं थोड़ा लेट हो गया था तो, और सुबह से क्लासेस चल रही हैं तो फिर मैं ब्लॉग ज़्यादा कर नहीं पाया।
तो बस अभी मैं छुट्टी होगी थी और जा ही रहा हूँ। फ्लैट तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ दिखाई दिया था, क्या मैंने बता दिया। कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, हर बार की तरह मैं रिप्लाई कर ही दूंगा। और फॉलो भी कर लेना यार इंस्टा पे, और सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। और कुछ वीडियो बनानी हो मेरे को, आपको लगता है भी बना सकता हूँ तो मेरे को सजेशन देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग व्लॉग्स विद विनीत सेरा व्लॉग्स। थैंक यू। ये हसल मेरे खून में, एड़ी से लेके बदन पे, ये रैप मेरा घमंड है, हम मास्टरपीस।